ओके, सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि एक कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है अलग अलग पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंडिंग डिपेंड करके इमेज अलग अलग तरह से फॉर्म होती है. उसके बाद हमने देखा कि कॉनकेव मिरर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक स्फेरिकल मिरर और पढ़ा था, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. सो वी विल स्टडी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. एक कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है यह हम जानने की कोशिश करते हैं. नाउ जैसा हमने कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखा, उसी तरह से यहां पे भी हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह की पोजीशंस पे रख के देखेंगे. ओके, पर हमने एक चीज नोट की थी कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही होता है, मतलब उस मिरर के फ्रंट में होता है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता. कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है. सो सबसे पहला केस तो हम वही देखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो किस तरह से होगा वो. नाउ कॉन्वेक्स मिरर विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिखाई देगा. तो दिस इज योर फोकस, तो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो हम मान लेते हैं कि एंड दिस इज पोल. लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा है. सो लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. दिस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सो इससे आने वाली लाइट रेस कुछ इस तरह से पैरेलली इस मिरर को स्ट्राइक करेंगी. एंड स्ट्राइक करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक होंगी. तो हमने देखा था कि एक स्फेरिकल सरफेस पे जब लाइट रे पैरेलली टकराती है तो वह फोकस से पास होती है, या ऐसा दिखता है फोकस से पास हो रही है. सो हम यहां कहेंगे कि ये एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, लेकिन हमें दिखेगा इस तरह से कि ये लाइट रे फोकस से आ रही है. सो इट मींस ये लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी. समथिंग लाइक दिस. And something like this. कुछ इस तरह से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिखाई देगी और ऐसा दिखेगा कि और ऐसा दिखाई देगा कि ये लाइट रेस फोकस से आ रही हैं. सो हमें यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. दिस इज इमेज. एंड वॉट एल्स, इमेज तो दिख गई, अब इमेज का नेचर कैसा होगा. इमेज का नेचर इज इट इज हाईली डिमिनिश्ड. एंड वॉट, अब क्योंकि ये मिरर के पीछे फॉर्म हुई है सो मिरर के पीछे फॉर्म होने वाली सभी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. सो दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज. सो फर्स्ट नेचर इज इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड. सेकेंड इज इट इज बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज बिहाइंड द मिरर. अब देखिए, हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस,
बिकॉज इमेज एक्चुअल में फोकस पे फॉर्म हो ही नहीं रही, वो तो सिर्फ दिख रही है कि इमेज पे फोकस पे फॉर्म हो रही होगी, लेकिन हम जब फोकस की ओर देखेंगे, पीछे जब फोकस को देखेंगे, तो हमें यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखाई देगी। सो वी विल से कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज वर्चुअल होगी और साथ में इरेक्ट भी होगी। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सो कॉनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वह वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। सो इट मीन्स अगर सन को मैं इस कॉनकेव मिरर में देखूं, तो मुझे इस कॉनकेव मिरर में एक बहुत ही छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा, एक बहुत ही ब्राइट सा स्पॉट दिखाई देगा। दैट इज इट मीन्स सन क्या हो गया है, सन की इमेज डिमिनिश हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। देन नेक्स्ट इज, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में करते हैं। नाउ जैसा मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपकी जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यह मिरर के पीछे की तरफ होता है। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसके आगे में कहीं पे भी रखूं, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रख रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि क्या वह डिस्टेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस है या एक इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज्यादा, इट डजेंट मीन कि ये एक्चुअल में इनफाइनाइट है जो कि मेजर नहीं हो सकता। ये मेजर हो सकता है, लेकिन मिरर के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़ा है। सो अब ये जो कंपैरिजन है कि मिरर का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा। सो इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक एन अप्रोक्सीमेशन। जैसे कि मैं इस चौक की लेंथ को इस चौक की लेंथ को कंपेयर करूं किसी नेशनल हाईवे की लेंथ से, सो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक नेशनल हाईवे की लेंथ और इस चौक की लेंथ में कोई कंपैरिजन है क्या? नो, वी विल से दिस इज वेरी 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 स्मॉल। सो सेम थिंग हेयर ऑल्सो, हम कहते हैं कि लेट से इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वह है कुछ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो पोजिशन है, इफ इट इज अराउंड 1 किलोमीटर और लेट से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जैसे कि सन, सन इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट की इमेजेस पे फॉर्म करेंगे, सो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यहाँ पे वो एक बहुत ही डिमिनिश, बहुत ही छोटा सा दिखाई देगा, इट्स अप्रोक्सीमेशन। सो उसी तरह से इस चौक के साथ भी है। सो इसीलिए इमेज जो फॉर्म होगी वह फोकस पे होगी और लाइट रेस पैरेलली दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखूं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंपैरेटिव है, सो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। जैसे कि लेट से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह कुछ 50 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया लेट से 70 सेंटीमीटर पे, मिरर से कुछ 70 सेंटीमीटर की दूरी पे, सो आई विल से कि दिस डिस्टेंस इज फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, सो सेकेंड इज नियर द मिरर, तो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज लेट से फोकस एंड सेम डिस्टेंस हियर आल्सो, एंड वी विल से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट इमेजिन कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं या यहां रख रहा हूं या पीछे रख रहा हूं। ओके, फर्क सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट से पड़ता है। सो जो लाइट रे पैरेलली मिरर को स्ट्राइक करेगी वह इस तरह से दिखेगी कि फोकस से पास हो रही है, सो इट विल रिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट एल्स, अब हम कौन सी रे ले सकते हैं एक और? यस, वी कैन अज्यूम एक लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है, तो जिस एंगल से पोल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, एंड ऐसा लगेगा कि यह लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों लाइट रेस को पीछे प्रोड्यूस करूं, सो यहां पे हमें एक इमेज
फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे हमें एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। क्या हम इस इमेज का नेचर पता कर सकते हैं? यस। सबसे पहली चीज, ये इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। एंड व्हाट एल्स, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सो आई विल से इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड। एंड व्हाट एल्स, डिमिनिश तो हुई, साथ में दिस इमेज इज विल बी अ वर्चुअल इमेज। व्हाई सो? बिकॉज मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। सो आई विल से द इमेज इज वर्चुअल एंड इट विल बी इरेक्ट ऑल्सो। हमने प्लेन मिरर को जब पढ़ा था तब हमने इरेक्ट शब्द का बहुत अच्छे से मीनिंग समझा था। हमने ये समझा था कि एक इमेज को इरेक्ट बोलना मतलब क्या। ओके, सिर्फ अगर आपको डाउट है तो प्लीज गो टू दैट लेक्चर एंड वॉच दैट वीडियो, आपको इरेक्ट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हमने उसको बहुत अच्छे से तब समझा था। ओके, तो हमने ये देख लिया कि एक कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या ऑब्जेक्ट मिरर के पास में रखा हो। अब इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी शिफ्ट करें, इसकी इमेज हमेशा ऐसी ही फॉर्म होगी। लेकिन मैं एक चीज़ नोट ये कर सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेते जाऊँ, वैसे वैसे इस इमेज का साइज छोटा होता जाएगा और इमेज फोकस की तरफ खिसकती जाएगी, ऐसा आप देख सकते हैं। ऐसा हम कैसे समझे? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कर दूं तो दिस केस, तो ये वाला केस बन जाएगा। और इमेज कहाँ हो जाएगी? अभी फोकस और पोल के बीच में है। ओके, वी विल राइट हियर बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल पे ये इमेज बनेगी नहीं, सिर्फ ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पे कोई एक इमेज बनी है। ओके, लेकिन आप मिरर के पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। सो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज और फोकस की तरफ खिसकती जा रही है, और फाइनली जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उसकी इमेज एग्जैक्टली फोकस पे और डिमिनिश्ड बन जाती है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास खिसकाते जाऊंगा वैसे वैसे इमेज भी मिरर के पास खिसकती जाएगी एंड इमेज का साइज धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। और फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिरर से चिपका के रख देंगे एट पोल, पोल पे जब आप रख देंगे सो आप ये देख सकेंगे कि इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनती है। ओके, और इस चीज को स्टडी करने के लिए यू कैन यूज अ स्पून, एक चम्मच को यूज कर सकते हैं जो टेबल स्पून होता है। उस टेबल स्पून को आप पहले फ्रंट में पकड़िए, तो जो अंदर का जो इनवर्ट पार्ट है उसको अपने फेस के सामने लेके आए और धीरे धीरे उसको मूव करके देखें। सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उस मिरर की, उस स्पून की प्लेस चेंज कर रहे हैं, आपके फेस से डिस्टेंस उसका चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको अलग अलग तरह की इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। और अगर उसको मैं आउटवर्ड पार्ट को लूँ, रिफ्लेक्टिंग लूँ, सो आउटवर्ड पार्ट से हम देख सकेंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। सो जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपको इस तरह से इमेज फॉर्म होती हुई वहां पे दिखाई देगी। ओके, सो अब हमने ये तो समझ लिया कि एक कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करता है। अब ये तो एक ब्यूटी है अगेन स्फेरिकल मिरर की, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है मिरर इमेज की साइज। तो क्या हम इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं।
So let us try to understand the uses of convex mirror. The very first use is used as rear view mirror, the very common use जो कि हम रोज देखते हैं, that is used as a rear view mirror. What is rear view mirror? Rear view mirror जो फोर व्हीलर होते हैं, फोर व्हीलर की साइड में आप देखते हैं कि लगा रहता है एक छोटा सा कांच रहता है जिसमें हम पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं. अब why convex mirror is used specifically? कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करा क्योंकि अगर मैं पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रैफिक है उसकी बात करूं, सो आई कैन से कि वो जो पीछे का ट्रैफिक है इट विल बी एट इन्फिनिटी, ये मेरे से बहुत दूर है. सो ऑब्जेक्ट जो बहुत पीछे है वह कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर उसकी इमेज फॉर्म करेगा, उससे लाइट रेज आके टकराएंगी और एक बहुत ही छोटी सी इमेज हमें दिखाई देगी. अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर इम्प्लीमेंट कर दूं, सो कॉन्केव मिरर में मैं इस तरह की इमेज को नहीं देख पाऊंगा. वाई सो? क्योंकि उसमें इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सॉरी जो ऑब्जेक्ट वाला साइड है उसी तरफ बनती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में ही बनती है. लेकिन यहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. सो इट मीन्स अगर मैं इस तरह से एक कॉन्वेक्स मिरर को इम्प्लीमेंट कर दूं, सो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट इस पर टकराएगी और यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज और एक डिमिनिश्ड इमेज मुझे फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. सो रेयर व्यू मिरर में क्या होता है, पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है, हम पूरे ट्रैफिक को देखना चाहते हैं. सो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आप देख सकते हैं इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ बल्जिंग है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स. सो इट मीन्स ये जो बल्जिंग है इस मिरर की कुछ इस तरह से, इसकी ये खासियत है कि ये बल्जिंग में बहुत सारी लाइट रे को कवर कर सकती है, एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर सकता है. आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर में इतने पूरे एरिया में इतने बड़े स्पैन से लाइट आके टकरा सकती है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं था, जो लाइट रे उसके कर्वेचर के आसपास में थी वह लाइट रे उससे टकरा नहीं सकती थी. लेकिन यहाँ पे बड़ी आसानी से लाइट रेज इस पर टकरा सकती हैं. सो व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रेयर मिरर, बिकॉज सबसे पहली चीज इसका स्पैन बहुत बड़ा है तो ये पीछे के पूरे ट्रैफिक को कवर कर सकता है. दूसरी चीज इट विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब मैं पूरे ट्रैफिक की एक बहुत छोटी सी इमेज अपने मिरर में देख सकता हूं. सो आई कैन से स्पैन और वी कैन से कैन कवर अ लार्ज एरिया. एंड इमेज विल बी डिमिनिश्ड, एक छोटी सी इमेज मैं बहुत बड़े ट्रैफिक की देख सकता हूं. बट ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में नहीं हो सकता, सॉरी कॉन्केव मिरर में नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्केव मिरर में एरिया जो उसका स्पैन होता है वो बहुत छोटा सा होता है. अगर मैं उसको सन पे फोकस करता हूं तो वो सिर्फ सन पे ही फोकस रहता है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखें तो आपको आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देंगे. ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगेन स्पून से. अगर आप स्पून में अपना फेस देखें, अगर स्पून के इनवर्ट पार्ट से देखें तो आपको सिर्फ अपना फेस दिखाई देता है. लेकिन अगर मैं स्पून को पलट दूं, उसके आउटवर्ड जो बल्जिंग पार्ट है उसमें अपने फेस देखने की कोशिश करूं तो मुझे पीछे के ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं. व्हाई इट इज सो? बिकॉज उसका स्पैन बढ़ गया इस तरह से, तो ज्यादा लाइट उस पर टकरा सकती है, ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स या जो वाइड एरिया में ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो लाइट रे है वो उस पर टकरा सकती है. सो इसलिए वो उसकी इमेज भी फॉर्म कर सकता है. सो दिस इज द केस व्हेन वी हैव यूज्ड इट एज अ रेयर व्यू मिरर. देन और हम इन्हें कहां भी यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट एट, आपने देखा होगा कि कुछ रोड्स पे, कुछ क्रॉसिंग्स पे बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए होते हैं. वाई इट इज सो? वह मिरर्स क्यों लगे होते हैं? वह मिरर इसलिए होते हैं कि क्रॉसिंग पे अगर दूसरी रोड से कोई आ रहा है तो हम उन्हें देख सके ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके. सो वी कैन से
दिस मिरर कैन बी यूज दैट रोड क्रॉसिंग. हाउ, किस तरह से? लेट अस सपोज कि दिस इज रोड, ये एक रोड है यहां से ऐसा जाने के लिए, दिस इज अ रोड. ओके, सो लेट अस से कि कोई पर्सन यहां से इस डायरेक्शन में चल के आ रहा है. अगर यहां से कोई व्हीकल आ रहा है, अगर यहां से कोई व्हीकल आ रहा है, वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लाइंड टर्न. ब्लाइंड टर्न है ये, अंधा मोड़ जिसे बोलते हैं. यहां पे ना तो इस व्हीकल को दिखेगा कि ये पर्सन आ रहा है, ना इस पर्सन को दिखेगा कि ये व्हीकल आ रहा है. सो दे मे बैंग ईच अदर, दे मे स्ट्राइक ईच अदर, सो इट मींस एक्सीडेंट होने के चांसेस है. इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे कुछ इस पोजीशन पे एक ऐसा कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हम यहां पे एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल कर देंगे. इससे क्या फायदा होगा? कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा कि ये बहुत बड़े एरिया में लाइट को, बड़े एरिया को कैप्चर कर सकता है. सो यहां पे अगर ये लगा हुआ है, तो अगर ये व्हीकल वाले जो पर्सन है, अगर वो इस मिरर में देखेंगे तो उन्हें इस पर्सन की इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. एंड दिस पर्सन अगर ये मिरर में देखेगा तो इसे ये इस व्हीकल की इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. सो इट मींस ये दोनों समझ जाएंगे कि कोई ना कोई दूसरी रोड से आ रहा है. सो इट कैन अवॉइड एक्सीडेंट. हेंस यहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. ओके, सो वी कैन राइट हियर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. At blind turns, जो blind turns होंगे वहां पे हम accident avoid करने के लिए इन mirrors को use कर सकते हैं. And what else? अब हमने ये कहा था कि एक light ray, sorry, एक जो concave mirror होता है वह एक converging mirror है, और convex mirror जो होता है वह एक diverging mirror है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ने वाली लाइट को वह इधर उधर डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो क्या हम इसको किसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम यूज कर सकते हैं. जैसा हमने देखा था कि अगर मैं घर में एक बल्ब जलाऊं तो वह बल्ब की रोशनी, वह बल्ब की लाइट जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी. ओके, हो गई. लेकिन अगर मुझे उसमें उसी को अगर मैं हेडलाइट की तरह यूज करना चाहता था, किसी फोर व्हीलर की हेडलाइट की तरह, तो वहां पे मैंने कॉनकेव मिरर लगा दिया था. वाई सो? क्योंकि मैं वहां पे स्प्रेड आउट नहीं होने देना चाहता था. मैं ये नहीं चाहता था कि लाइट रे जो लाइट की जो एनर्जी है वह ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो, ज्यादा एरिया में स्कैटर हो. मैं चाहता था कि वहां पे लाइट रे एक ही जगह पे फोकस करे. ओके, एक जगह पे फोकस हो. लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट का पर्पस क्या है? स्ट्रीट लाइट का पर्पस यह है कि वह पूरी जो एरिया है, एक बड़े एरिया में, रोड पे बड़े एरिया में वह लाइट स्प्रेड करना चाहता है. वह विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, इसलिए वह हाइट पे लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके. तो क्या वहां पे मैं इस तरह के मिरर को यूज कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल, वी कैन यूज कॉन्वेक्स मिरर देयर. हम कॉन्वेक्स मिरर को वहां पे यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा डाइवर्जेंस चाहते हैं. हम चाहते हैं कि लाइट रे वहां पे ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज हो. किस तरह से? सो नेक्स्ट यूजेस इन स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर. स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर किस तरह से? लेट्स से दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पे एक लाइट का बल्ब है. सो जो लाइट रेज इस बल्ब से निकलेंगी वह इस मिरर से स्ट्राइक होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाएंगी, कुछ इस तरह से. इट विल स्प्रेड लाइक दिस. सो
व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस मिरर? जो लाइट रे इस बल्ब से निकल रही हैं, वो इस मिरर से टकराने के बाद ज्यादा एरिया में रिफ्लेक्ट होंगी, इनका डाइवर्जेंस हो जाएगा. सो इट मीन्स इसकी इस बल्ब की लाइट रे, स्ट्रीट लाइट की जो लाइट है वो ज्यादा एरिया तक फैलेगी. हेंस इट इज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. क्या और भी कहीं हम इसे यूज कर सकते हैं? एक कॉमन चीज आपने देखी होगी, जब भी कोई हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जैसे कि एयरपोर्ट या और कोई ऑफिशियल बिल्डिंग जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब कोई गाड़ी, अगर कोई फोर व्हीलर एंटर करता है, सो दे हैव अ स्टिक इन देयर हैंड. वह स्टिक कुछ इस तरह की दिखाई देती है, समथिंग लाइक दिस. ऐसी कुछ एक स्टिक दिखाई देती है. इस तरह की स्टिक को वह गाड़ी के नीचे इंसर्ट करते हैं और फिर कुछ देखने की कोशिश करते हैं. क्या आप जानते हैं वह चीज क्या है? दैट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स मिरर. यह सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और कुछ नहीं होता. वाई कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही हम गाड़ी के नीचे घुसाते हैं, तो जैसा हमने कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो हमें पूरी गाड़ी का नीचे का व्यू इस कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देता है और एक छोटी सी इमेज फॉर्म होके दिखाई देती है, क्योंकि गाड़ी का स्पैन बहुत ज्यादा है. कोई गाड़ी अगर लंबी है तो उसका बेस का स्पैन बहुत ज्यादा है, तो उस स्पैन को, उस बेस को देखने के लिए हम इस कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कर सकते हैं. सो हम कहेंगे फॉर सिक्योरिटी चेक्स. सिक्योरिटी चेक्स के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर सकते हैं. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इसको गाड़ी के नीचे इंसर्ट करेंगे तो हम एक गाड़ी का जो पूरा बेस है उसकी एक छोटी सी इमेज इसमें देख पाएंगे. सो दिस इज फॉर द सिक्योरिटी रीजन, कि किसी ने गाड़ी में कुछ नीचे बम तो नहीं लगाया, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की, यह पता करने के लिए हम इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज अ बॉम्ब डिटेक्टर. इसको एक विजुअल बॉम्ब डिटेक्टर नाम दिया जाता है. यू कैन राइट दिस, दिस इज नोन एज विजुअल बॉम्ब डिटेक्टर. एक बॉम्ब डिटेक्टर वह होते हैं जो जमीन के नीचे बॉम्ब डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे बॉम्ब डिटेक्टर ये जो कि किसी ऊपर ऑब्जेक्ट पे लगे हुए बॉम्ब को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गाड़ी के नीचे का पोर्शन, फोर व्हीलर के नीचे का पोर्शन. हम वहां हमेशा झुक के नहीं देख सकते, हमें नहीं दिखाई देगा, पूरा स्पैन नहीं कवर कर सकते, लेकिन अगर हम इस मिरर को इंसर्ट कर दें तो हम नीचे का स्पैन आसानी से कवर कर सकते हैं. सो दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट, जस्ट एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और कुछ भी नहीं. तो आप सोचिए कि कॉन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर्स अपनी लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितनी सारी जगहों पे हमें यूज होते हुए दिखाई दे सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे प्लेन मिरर्स को, कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्केव मिरर को आसानी से समझ लिया, बहुत अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया. लेकिन हमने ये देखा कि अगर मैं कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखूं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखूं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है, ऐसा हम कहते हैं. लेकिन कहाँ पे फॉर्म होती है, कितनी दूरी पे फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना पीछे रखूं कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. अगर मुझे ये जानना है कि ऑब्जेक्ट की दूरी अगर मुझे मालूम है, लेट से मैंने कुछ 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज कितनी दूरी पे फॉर्म होगी ये मुझे जानना है. तो पहला तरीका तो ये कि आप मिरर को लें, मिरर में एक इमेज ऑब्जेक्ट को रखें 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख लें, तो हम कह सकेंगे कि हाँ पता चल गया किस डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रही है. लेकिन अगर मुझे बिना कुछ यूज किए, बिना कोई मिरर यूज किए, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वह किस तरह से करेंगे? सो वी कैन यूज मैथमेटिक्स टू फाइंड दैट.
एंड इट इज डन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. एक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. सो दिस इज फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.